करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। मुझे डबिंग में भी मतलब वो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, और लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत पसंद आया कि अच्छे तरीके से वो मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हैं अभी तक। और उसमें सोने पे सुहागा टाइप म्यूज़िक हमारी मूवी का बहुत ही बेहतरीन है। सारे हिंदी के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है अपने म्यूज़िक के लिए, सिंगिंग के लिए इसमें आए हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग शोभाने सुरेंद्री, जो अभी आपने देखा, श्रेया घोषाल माय फेवरेट सिंगर, उन्होंने उनका मतलब बैकग्राउंड सिंगिंग है, तो मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ का। फिल्म का किरदार कैरी ऑन मराठा मर्द मराठा लड़का है, और एक हैप्पी गो लकी लाइफ को बहुत इजीली लेने वाला लड़का है, और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। क्या बताऊँ मैं, एक पंच मारता है तो 20 लोग उड़ के गिर जाते हैं, रास्ते पे नाचना शुरू कर देता है तो 100 लोग पीछे नाचना शुरू कर देते हैं। सो हीरोइक कैरेक्टर है जो लार्जर देन लाइफ, हम जिसे कहेंगे, जो आम जिंदगी में आप नहीं कर पाते वो सब आप मारतन के थ्रू स्क्रीन पे करते हुए देख सकते हैं, अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे और सीटी बजा सकते हैं, वैसा कैरेक्टर है। तो क्या है मतलब, अब इसका मतलब मैं अभी मैचो नहीं लग रहा हूँ, अभी थोड़ा ज़्यादा मैचो लग रहा हूँ, अभी बाल काट दिए मैंने, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है, ये लोग अलग है काफ़ी, ये अगली फिल्म का लोग है बेसिकली। तो क्या नहीं, किसी से भी नहीं, हर कोई चीज़ जो एज एन एक्टर मैं परफॉर्म करता हूँ, आपको इंस्पिरेशन अगर आप अपने अंदर से ढूंढ के निकालो तो वो ज़्यादा हेल्प करती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर एक किरदार, चाहे वो साइंटिस्ट का रोल अपने करो या दूध की डेयरी के ओनर का प्ले करो या चपरासी का प्ले करो, हर एक किरदार का कोई ना कोई अंश आपके अंदर होता है। सो इंस्पिरेशन जो लेनी है वो अंदर ही ढूंढो, मिल जाती है। कश्मीरा डेब्यू है जैसे कि इनका, तो आपने कितनी हेल्प की एक्टिंग में या फिर कहीं ये जब नर्वस हुए या कैमरा पे, तो आपने? जी जरूरत ही नहीं सर, ये इतने एक्सपीरियंस इंसान है, मतलब उनका बैकग्राउंड बचपन से पैदा हुए तब से उनके फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं मराठी के, तो जरूरत नहीं पड़ी, उल्टा मैं बोलूँगी मुझे हेल्प करो आप। ये कहाँ जाती है, अभी भी है जाती है, कहाँ जाती है, कुछ एक्टर की याद दिलाती है तो हम ऐसा, किस किस एक्टर की? सलमान खान, जॉन ग्राहम, हाँ, की याद दिलाती है इस तरह से जो एप्स है जी, तो हमें कुछ फॉलो करते हैं ऐसे एक्टर को, इन लोगों को? एक्टर्स तो वो बहुत, आप जो नाम ले रहे हो बहुत सीनियर और बहुत बड़े लोग हैं, उनको बचपन से देखते आ रहे हैं हम और उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल कहीं पर दिमाग के किसी कोने में बिल्कुल उनकी तरह बने किस दिन, ऐसा बचपन में तो लगता ही था, हर किसी को लगता है, और फिटनेस जो है वो मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट ने ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्टिंग के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, तो बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी ग्रेसफुल होनी चाहिए तो उसके लिए आपका शरीर जो है उसे आप, उसकी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर, क्योंकि पहले एक्टर देखता है उसके बाद बोलना शुरू कर देता है। नहीं, ये डर गई थी पहले, हाँ एक्चुअली पहले दिन डर गई थी, लेकिन अभी हीरो है ना तो होना चाहिए, और जब तक हीरो ऐसा अच्छे से माचो होगा नहीं, हीरोइन को पसंद कैसे आएगा ना, तो हमारी जोड़ी आपको दिखी रही है स्क्रीन पे। आपने कहा कि ये जो आपका लुक है ये किसी और फिल्म में, ये अगली पिक्चर की शूटिंग शुरू होगी मेरी कुछ दिनों में, उसका लुक है, नाम बताना चाहिए? नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, वर्किंग टाइटल है अभी भी, और शायद वो बुरा मान जाएंगे क्योंकि अभी शूटिंग चालू नहीं हुई है, तो वी वॉन्ट टू रिवील द स्टोरी ऑल्सो, लेकिन मुझे देख के आपको जो मन में आए आप सोच लो कि क्या कर रहा होगा ये इस लुक में, लेकिन एंजॉय करोगे आप वो फिल्म में, लेकिन इस बार आई थिंक यहाँ पे हम सिर्फ कैरी ऑन मराठा के बारे में बात करेंगे, जब वो फिल्म आएगी उसका प्रमोशन शुरू होगा तब उसके बारे में दिल खोल के बात करेंगे। ज़रूर जाके आप पिक्चर देखिए थिएटर में, हमारी पहली पिक्चर है, और जो मतलब जो एंजॉयमेंट हमें शूट करते हुए मिली, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा जब आप फिल्म देखोगे। मेरा डायलॉग, मैं इनको बोलती हूँ हिंग टक्का मक्का मारे नोड़े बड़े गाड़ी ओड़ी, ऐसा मैं आपको बोलूंगी, सिर्फ घर में देखते मत बैठो, गाड़ी निकालो, थिएटर में जाओ और हमारी पिक्चर देख के आओ।